अपने देख रहा छी टीवी टुडे टुडे समाचार में अपने के स्वागत आयश प्रणाम हम ज्योति शुरू करी माओवादी केंद्र के दू गोटे प्रदेश सांसद नेकपा ओली समूह में लागल संबंधी समाचार सा। तत्कालीन माओवादी केंद्रक दू गोटे प्रदेश सांसद नेकपा ओली समूह में लागल आय ओ सब नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड निकट मानल जाय छैक। प्रदेश सांसद रामचंद्र मंडल आ ज्वाला कुमारी साह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व के समूह में लागल आय साह बारा के क्षेत्र नंबर 3 क स तत्कालीन नेकपा माओवादी से निर्वाचित भेल छली। ऐसे पहिने प्रचंड के विश्वास के पात्र मानल गेल प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष प्रभु साह हुनक संग छोड़ कर ओली दिस लगलाक बाद शहरी विकास मंत्री पद पौने छन। प्रभु साह ओली दिस गेलाक किछुए दिन में साह निकट अन्य दू गोटे सांसद से हो ओली समूह में लगलाय। बुद्धिन बिरगंज में ओली समूह आयोजना केने प्रदेश संघक में प्रदेश सांसद मंडल आ साह पहुँच कर भाषण देने छलाय। भाषण में सांसद साह कहली जे प्रचंड जी के बहुत रास हम सुझाव देने छलौं मुदा ओ एकोटा सुझाव के पालना नहीं केलैत ओही लक के पी ओली दिस आयल छी। तत्कालीन माओवादीक अन्य सांसद सब सेहो ओली समूह में आत कै बतौली अइ के लेल विमर्श भ रहल अछि। ओ कहली परसा में खाय वाला तेल के कालाबाजारी के अभियोग में दू गोटे उद्योगी के पुलिस पकड़लक। पकड़ाल पड़ल में बीरगंज महानगर पालिका दू आदर्श नगर के 38 वर्षक दीपक कुमार वर्णवाल आ 24 वर्षक रोशन वर्णवाल छैक। दीपक भाई संदीप कुमार वर्णवाल के नाम में रहल शिव शक्ति रिपैकिंग फॉर्म में सोयाबीन तेल आन क प्लास्टिक के बोतल में रिपैकिंग क कालाबाजारी के अभियोग में हुनका पुलिस पकड़ने जिला प्राधिकारी परसा जनौने अछि। रोशन अपने घर में भैया राजन वर्णवाल के नाम में रहल त्रिदेव रिपैकिंग फॉर्म में सोयाबीन तेल आन क रिपैकिंग क बिक्री करैत आयल छल। ओ फार्म से प्रहरी पैघ परिमाण में तेल बरामद केने अछि। ओसब विभिन्न कंपनी के सोयाबीन तेल रिपैकिंग क क ओ तेल तिल उत्सव पूजा तेल लिखल गेल स्टिकर टाइप का बेचे तय छल। रोशन के संग से महालक्ष्मी सोयाबीन लिखने 3465 लीटर तेल 990 लीटर तेल तिल उपकार पूजा आयल लिखल 348 लीटर आयल लगायत बरामद भेल अछि। जनता समाजवादी पार्टी केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य तथा संविधान सभा सदस्य बबन सिंह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूह में प्रवेश केने छन्। रोहतक के गरुड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में नेकपा प्रदेश दू के अध्यक्ष तथा शहरी विकास मंत्री प्रभु साह सिंह के पार्टी प्रवेश करौलनि। रोहतक जिला निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 सह सिंह संविधान सभा सदस्य में निर्वाचित भेल छलथि। ओय के बाद ओ नेपाली कांग्रेस तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी में प्रवेश केने छलनि। ओय के बाद मधेशी जन अधिकार फोरम नेपाल होइत समाजवादी पार्टी नेपाल में रहल ओ पछिला समय जनता समाजवादी पार्टी में छलथि। तराई मधेश आंदोलन के क्रम में चर्चित बनल सिंह पर गौर में 27 गोटे माओवादी कार्यकर्ता के हत्या में संलग्नताक आरोप छन्। प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा मध्य कुनो में टिकट नहीं पौलाक बाद ओ पार्टी संग असंतुष्ट रहित आयल छलथि। हुनक पत्नी अंशु सिंह राजदेवी नगर पालिकाक उप प्रमुख छन्। पत्नी सिंह समाजवादी पार्टी से उप प्रमुख में निर्वाचित भेल छली। पार्टी में प्रवेश करावैत मंत्री शाह मधेशी समुदायक हक हित नेकपा से संभव भेल बतौलथि। नेपाल में बृहस्पति दिन था 534 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर के विभिन्न स्थान में रहल प्रयोगशाला में 6000 नमूना परीक्षण केला पर 1096 महिला और 338 पुरुष में संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देने अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 260593 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 9 गोटे के मृत्यु भेल अछि। नेपाल में हाल धरि कोरोना से मृत्यु भेल के संख्या 1856 पहुंचल अछि। नेपाल में थप 447 गोटे कोरोना मुक्त भेल छथि तऽ हाल धरि 252399 गोटे कोरोना मुक्त भेल छथि। नेपाल में हाल 6378 गोटे आइसोलेशन में रहल अछि तऽ 362 गोटे क्वारंटाइन में। नेपाल में हाल धरि 1925477 टा पीसीआर परीक्षण कयल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि। नेकपा जनवादी केंद्रीय संघर्ष समिति 52 बुंदे मांग तत्काल पूरा करब मांग करैत माइती घर मंडला में बृहस्पति दिन सेहो धरना देल गेल। जनमत विपरीत पार्टी फूट आ स्थिरता के अंत्य क 52 बुंदे मांग तत्काल पूरा करब मांग करैत नेकपा जनवादी केंद्रीय संघर्ष समिति विगत 14 दिन से माइती घर में धरना देने अछि। नेकपा जनवादी के प्रवक्ता विज्ञान शर्मा 52 बुंदे मांग रखैत सरकार के अगर 26 गते एक हफ्ता के अल्टीमेटम द कऽ ज्ञापन पत्र बुझलाक बादो मांग पूरा नहीं भेलाक बाद विगत 14 दिन से धरना कार्यक्रम के जानकारी देलनि। हरेक बेर राजनीतिक दल व्यवस्था परिवर्तन के लेल समय खर्च केलाक बादो गरीब दुखी जनता के जीवन स्तर में परिवर्तन कर आंदोलन केंद्रित नहीं केला से जनता के जीवन स्तर सुधार करब मांग करैत धरना देल गेल हुनक कहब छनि।
र एक हप्ता को अल्टिमेटम थियो र त्यो अल्टिमेटम में मागहरु पूरा नभइसके पछाडी हामीले यो कार्यक्रमलाई धरना को रूप में अहिले सुरु गरेका छौं र छिट्टै हाम्रो यो दोस्रो चरण में प्रवेश गर्दै छ कार्यक्रम। यो चाहिँ पहिलो चरण को धरना सामान्य धरना भयो हैन अनि यस पछाडी दोस्रो चरण में प्रवेश गर्छ र हामीले के भनेका छौं भनेपछि नेकपा जनवादीले अहिले जो आंदोलन को घोषणा गरेछ जुन धरना कार्यक्रम को आयोजना गरेछ यो धरना कार्यक्रम के का लागि त भन्दा हरेक पल्ट राजनीतिक दलहरुले व्यवस्था परिवर्तन को लागि प्रशस्त समय खर्च गरे ओ अपन सभक मांग सरकार पूरा नै कर सकत तेहन किसिम के मांग नै रखने छि कहित मांग सुनवाई नै भेल त दोसर चरण में कड़ा प्रकार के आंदोलन करबाक घोषणा करब कई चेतावनी समेत दलायत। विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना के मांग करैत चार महिला संघ सब सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा के ध्यानाकर्षण पत्र बुझौलक अछि। बृहस्पति दिन अखिल नेपाल महिला संघ अनेम संघ समाजवादी महिला संघ नेपाल अखिल नेपाल महिला संघ विवेकशील साझा महिला प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना के मांग करैत सभामुख सापकोटा के ध्यानाकर्षण पत्र बुझौलक। ध्यानाकर्षण पत्र बुझैत सभामुख सापकोटा अखन की अवस्था में संसद विघटन होब नै सकबाक कहैत संविधान के रक्षा के लेल अपने खेल परबाक भूमिका बारे सब पक्ष संग परामर्श आ विमर्श कर रहल बतौलनि। प्रधानमंत्री के संसद विघटन करबाक अधिकार संविधान नहीं देने कहित सभामुख सापकोटा अपन धारणा पहले सार्वजनिक क चुकल बतौलन। तहिना ओ संविधान के रक्षा तथा देश आ जनता के अधिकतम हित में सदैव समर्पित हेबाक विश्वास दियौलन। परामर्श राय सलाह सुझाव दी आज 23 श्रृंखला के द्वारा चार महिला संघ संविधान कल्पने नै कर सकबाक परिस्थिति आ नै देने अधिकार प्रयोग क संविधान विघटन कयल गेल कहित संसद पुनर्स्थापना कर मांग के लिए आज। कोरोना महामारी के लेल बनाओल गेल निर्देशन पालना नै हैत कहित भारत के राजधानी नया दिल्ली में दू दिने रात में कर्फ्यू लगाओल गेल अछि जैमे 5 गोटे से बेसी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान सब में संघट होब नै पायत। ओत नया वर्ष के उत्सव नहीं हैत। ई प्रतिबंध सब जनवरी 1 में भिनसर 11 बजे से साँझ 6 बजे धरि आ जनवरी 2 के भिनसर 11 बजे से साँझ 6 बजे धरि लागू रहत। दोसर दिस लगभग 45 लाख व्यक्ति नया वर्ष मनाब गोवा पहुँच चुकल छैक। अब एकटा खेलकूद समाचार। दसों संस्करण के पुष्पलाल स्मृति बैडमिंटन प्रतियोगिता सिन्हा में हैत। या पुष 29 सौ आवला माघ 3 धरि गोलबजार में होब वाला प्रतियोगिता में पुरुष आ महिला एकल पुरुष तथा महिला युगल छात्र तथा छात्रा U17 एकल तथा 45 वर्ष उमेर से बेसी के ब्रिंटेन्स युगल विधा में प्रतिस्पर्धा हैत। प्रतियोगिता में नेपाल बैडमिंटन संघ में आबद्ध 47 जिला खिलाड़ी तथा विभागीय त्रिभुवन आर्मी क्लब नेपाल पुलिस क्लब आ APF क्लब के करीब 200 खिलाड़ी के सहभागिता रहत जनाओल गेल अछि। में क्वार्टर फाइनल में विजय होब वाला खिलाड़ी जनही 8,000 सेमीफाइनल में विजय होब वाला 16,000 तथा विजेता 20,000 पुरस्कार प्राप्त करत। पुरुष आ महिला एकल युगल तथा ब्रिटेन्स युगल के विजेता 20,000 उपविजेता 10,000 तथा सेमीफाइनल में पहुंचब वाला खिलाड़ी 5,000 पुरस्कार प्राप्त करत संघ जनौनी अछि। तहिना छात्र छात्रा दिस U17 के विजेता 15,000 उपविजेता 8,000 तथा सेमीफाइनल में प्रवेश करबला 4,000 पुरस्कार प्राप्त करत। प्रतियोगिता बैडमिंटन संघ आ गोलबजार नगरपालिका के संयुक्त आयोजना में होबय लागल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।